हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग को एक बहुत ही यूनिक सा डोरमेट बनाना बताऊंगी, वो भी देखिए ये पुराने जींस का। अगर फ्रेंड्स आपके घर में पुराना जींस हो तो ज़रूर उसको फेंकने से पहले आप ये ज़रूर बना लें। और देखिए ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, एक जींस में आराम से इसलिए आप बना सकते हैं। इसकी देखिए मैंने कटिंग कर ली है। इसके लिए आपने क्या करना फ्रेंड, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और पूरी वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इसकी कटिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, कागज़ पे आपने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी 12-13 कली पूरी बनेगी। आपने अपने हिसाब से बनाना है कि आपने छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है। और एक कटिंग आपने ये देखिए फ्रेंड्स गोलाई की करनी है, गोल कटिंग, और ये पूरी कली करनी है। आपने पहले सबसे पहले आपने किसी कागज़ पे इसकी देखिए ये स्ट्रिप कटिंग कर लें। देखिए ये आपने पहले कटिंग कर लेनी है फ्रेंड। एक आपने निशान लगा के किसी भी कागज़ पे आपने पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने ऐसे ही रख के सारे पे ड्रॉ करके पैंट पे फिर आपने ये कटिंग करते हुए आपने इतनी सारी कली बना लेनी है, 13 या 14 जितने भी कलियां आए हमें उतनी बना लेनी है। ये देखिए हमारी सारी कली ऐसे ऐसे जॉइंट होते हुए जाएंगी। और उसके बाद हमने एक गोल कटिंग कर लेनी है फ्रेंड, और बहुत ही इजी है, बहुत यूनिक भी है। आप इजली अपने घर पे इसको बना सकते हैं। इसमें हमें कोई भी ज़्यादा ना किसी चीज़ की ज़रूरत है ना कुछ। और इसको फ्रेंड आपने अगर इसको डेकोरेट करना है तो पुरानी लेस से भी आपने ये साइड साइड में लेस बना के कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास जो फ्लावर हैं ये फ्रेंड, मैं इस फ्लावर का यूज़ यहाँ पे करूँगी सारी पंखुड़ियों पे। ये फ्लावर फ्रेंड इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगी क्योंकि ये धुलने पे फ्लावर ख़राब भी नहीं होते हैं और बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। इसको ईज़ली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बीच में भी आपकी कोई भी डेकोरेटिव चीज़ हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं फ्रेंड, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको लगाना ही है। उसके बाद आपने सारी पंखुड़ियाँ कट करके फ्रेंड तो क्या करनी है, आपने ऐसे ऐसे ले जाके सारी देखिए ऐसे ऐसे आपने ज्वाइंट कर लेनी है। इसको तो हमारा ये ऊपर से ही आएगा फ्रेंड, इतना केयर करिएगा। जब हमारी ये बन जाएगी तो इसकी पूरी सिलाई हम ऊपर से कर देंगे और ये इस वाले पोर्शन पे हमने गोलाई में लेस लगा देना है। जब हम लेस लगा देंगे फ्रेंड तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और ये कटिंग आप चाहें तो देखिए मैंने ये कली वाली कटिंग की है, आप चाहें तो एक गोल फ्लावर की कटिंग होती है यू आकार का, आप वैसे भी कली का कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें जैसे भी ये कली वाली कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपने गोल कटिंग करनी है। उसके बाद साइड साइड में आप कोई भी फ्लावर का शेप की कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बन के आएगा। और सबसे अच्छी बात है ये बेस्ट मटेरियल का यूज़ हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे जींस होते हैं तो हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं और फेंक देते हैं, तो इससे अच्छा रहेगा कि हमारा ये यूज हो जाए फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड मैं इसकी स्टिचिंग ऐसे आपने करनी है। देखिए ये हमारा कोने कोने पे ये पूरे स्टिचिंग देखिए ऐसे करके फ्रेंड इसको फिर ऊपर से हमने ये लगाना है। और देखिए इसकी सारी स्टिचिंग ये पूरी हमने ऐसे ऐसे जो ये पूरी इसको लेके इसको और ये कोने कोने की हमारी ये ऐसे छूटी हुई रहेगी और हमने ऐसे ही स्टिचिंग कर लेनी फ्रेंड। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे, मैंने आपको बता दिया है ऐसे स्टिचिंग कर लेनी है, आपने सिलाई मशीन से स्टिचिंग करनी है फ्रेंड, इसलिए मैं अब स्टिचिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है और बहुत ही प्यारा बनकर आया। इसमें फ्रेंड्स मेरी 11 कली बनी हुई है, टोटल 11 कलियों की ये बनी हुई है। और देखिए जो मैंने फ्लावर आप लोग को दिखाया था, मैं ऐसे ही सारी जगह फ्लावर लगा दी हूँ। और ये मेरा बचा हुआ फ्रेंड पतला सा लेस था तो इसका मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। और बीच में देखिए फ्रेंड्स ये मैंने देखिए गोलाई से ये लेस लगा दी है ताकि हमारा यहाँ पे जॉइंट पता ना चले। और साइड साइड में मैंने सिल्वर कलर की लेस लगाई है फ्रेंड्स ताकि हमारा ये ऑड सा ना लगे, क्योंकि ये सिल्वर कलर में ही और लाइट ये ब्लू कलर है तो इसमें मैंने सिल्वर कलर का ही लगाया है ताकि बिल्कुल भी
पता ना चले। और बहुत ही प्यारा ये बनकर आया है फ्रेंड, देखिए आप लोग ज़रूर बनाए फ्रेंड। आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं, जैसे हमारे घर में जींस और कॉटन के सूट वगैरह वो पुराने हो जाते हैं, तो आप उनका यूज कर सकते हैं, री यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। बीच में मैंने ये रेड कलर का फ्लावर लगाया हुआ है। और फ्रेंड अगर आपके घर में कोई फ्लावर ना हो तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको डेकोरेट करें, आप सिंपल भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा ये बनने के बाद फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।